बोनट आपको सेम मिलेगा, लेकिन लेक्सस की थोड़ी सी ग्रिल थोड़ी बड़ी होती है ना भाई, तो इसका पैटर्न जो उसके अंदर था वो ज्यादा सुंदर। बाकी आप बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, आपको थोड़ा इसका इंटीरियर दिखा देते हैं। यहाँ पे इसकी भाई हेड अप डिस्प्ले है। अब आए थे हम गाड़ी की रियर सीट पे। आज भी इसकी फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है इस गाड़ी की, बहुत ही जबरदस्त बढ़िया कंसेप्ट गाड़ी है। चीज इसमें डिफरेंस हो गया है, ये होती थी मर्सिडीज भाई। हमने ऑलमोस्ट 3-4 ब्रांड कवर कर लिए हैं, बाकी तो कंपोनेंट्स का अलग है। प्रगति मैदान में इस बार ज्यादा कंपनीज ने ना पार्टिसिपेट किया नहीं, और ज्यादा इनोवेशन या कुछ नहीं, ज्यादा इनोवेशन कुछ ऐसा खास नया भी नहीं है, पर फिर भी ठीक है, जितना इनोवेशन होगा पूरा सटीक आप तक पहुंचा दिया जाएगा। बस बने रहना, प्यार बनाए रखो अपना, मजा आपको हम देंगे। अब आ गए हैं भाई हम टोयोटा के पवेलियन में, बाकी इसी सेम हॉल के अंदर ही है आपके टाटा टोयोटा मूर्ति। यहाँ पे आपकी हाई क्रॉस है जिसमें काफी भीड़ लगी हुई है, उधर थोड़ी हाई क्रॉस आपको काट के दिखा रखी है, उसको भी अभी देखेंगे। एंड ये भाई कोरोला क्रॉस, इनका भी कॉन्सेप्ट मॉडल है, ये H2 कॉन्सेप्ट है, तो मोस्ट प्रोबेबली जल्द ही आपको इंडियन रोड्स पे देखने को मिलेगी। लुक्स तो भाई काफी अट्रैक्टिव है गाड़ी का, जैसे सिंपल से भी है अट्रैक्टिव भी है दोनों ही है। बाकी ये कैसे उसमें आएगी कॉन्फ़िगरेशन में, ये तो भाई जब अपना लॉन्च होगी तभी आपको पता लगेगा। एंड ये है भाई इनकी फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल मिराई, टोयोटा मिराई। हाँ ये कैमरी सेगमेंट की गाड़ी लग रही है मेरे को तो। एंड ये भाई टोयोटा की प्रियस, इसको कौन नहीं जानता भाई, मोस्टली ये गाड़ी इम्पोर्ट ही होती थी। एंड अभी भी ये गाड़ी भाई बाहर कंट्रीज में, तो मेरे एक अपने एक सब्सक्राइबर भाई भी हैं, उन्होंने भाई इस गाड़ी के अंदर जो हाइब्रिड है टोयोटा हाइब्रिड है उसके अंदर भाई CNG लगा रखी है, उनका मेरे पास इंस्टाग्राम पे था। ये विक्रम भाई मैं तो उसके अंदर CNG लगा के चला रहा हूँ, कमाल है भाई, एक तो हाइब्रिड ऊपर से उसके अंदर CNG। एंड ये भाई नई कोरोला ऑल्टिस, तो ये भी रिसेंटली दोबारा इंडिया में लॉन्च होगी, फिलहाल तो इसको बंद कर दिया गया था। ये भी फ्लेक्स फ्यूल के साथ ही आएगी। हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, वो इस गाड़ी को यूज़ करते हैं फ्लेक्स फ्यूल के साथ। एंड वहाँ पे है भाई लेजेंडर, एंड उधर है आपकी फॉर्चुनर हाई राइडर, एंड भाई ये है नई भाई तो है मेन अट्रैक्शन टोयोटा में, तो भाई सबसे ज़्यादा मेन अट्रैक्शन इस गाड़ी में भाई। देखो टोयोटा में कोई गाड़ी अगर धमकी लगती है ना तो भाई वो गाड़ी यही है, LC से बढ़िया कोई गाड़ी नहीं लगती। हाँ इसमें लगता है कि हाँ टोयोटा कुछ किया है। बाकी अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, आपको थोड़ा इसका इंटीरियर दिखा देते हैं। ऐसा इसका इंटीरियर रहेगा, स्क्रीन रहेगी, यहाँ पे इसके कंट्रोल्स रहेंगे, AC कंट्रोल रहेंगे, बड़ी सिंपल सी और एडवांस, मतलब ज़्यादा तड़क भड़क तो देखो टोयोटा रखता नहीं है अपनी गाड़ी में, लेकिन ओवरऑल भाई बहुत अच्छा है। आर्मरेस्ट आपका इस तरफ से खुलता है, यहाँ पे कूल मिलेगा आपको, कूल बॉक्स है इसको यहाँ रख रहे हैं, ये अंदर इसका पूरा डीप फ्रीजर सा ही है, बड़ा डिफरेंट सा आर्मरेस्ट है जो इस तरफ से खुलता है, तो आप इसको उधर से भी ओपन कर सकते हो, मतलब एक टाइम में आप एक साइड से ओपन कर सकते हो, या तो इधर से कर लो या उधर से कर लो, दोनों साइड से। एंड ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये इसका स्टेयरिंग है डी कट, आपको इसमें स्टेयरिंग मिलेगा। सनरूफ तो देखो LC में पहले भी इतनी साइज़ की आती थी, आज भी इतने साइज़ की आती है। ये आपको इलेक्ट्रिक मिलेगा IRVM। एंड यहाँ आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप बैटरी भी ड्रेन है भाई, ये इसका ग्लव बॉक्स है। यहाँ पे इसकी भाई हेड अप डिस्प्ले है, एंड ऐसा रहेगा भाई इसका डोर का पैटर्न। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच लेदर मिलेगा, वुडन फिनिश ना, रियल आपको थोड़ी वुडन वाली फिनिश आएगी, थोड़ा रफ रफ सा है। एंड यहाँ पे आपको इसके बटन्स मिलेंगे, ये इसके एडजस्टेबल, यहाँ बॉटल होल्डर सेम वही जो वैसे होता है। एंड भाई सबसे डिफरेंट चीज़ आपको इस चीज़ दिखे, इसका बोनेट देखिए, दोनों साइड से उठा हुआ, बीच में जैसे नदी सी जाती है ना वैसे इसका बोनेट है भाई। 20 इंच के आपको इसमें अलॉय व्हील्स मिले, 265/55R20। तो भाई पहले भी इसमें 18 और 20 इंच का ऑप्शन आता था, पर गाड़ी में ना पूरी वैसे आपको थोड़ी टैंक टाइप वाली फीलिंग आएगी, मतलब देखो रॉक सॉलिड, मतलब वो वाली फीलिंग आती है। अब आए थे हम गाड़ी की रियर सीट पे, एंड यहाँ पे आपको भाई फुल कंफर्ट मिलेगा। रियर भी आपको इसका डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट्स मिलेंगे, यहाँ आपने ऑक्स लगा सकते हैं, ये वॉल्यूम का रहेगा। HDMI पोर्ट्स भी है, आपको यहाँ चार्जिंग के पोर्ट्स भी दे रखे हैं। एंड थोड़ा सा यहाँ पे जो सीट है थोड़ी सी ऊपर की फोर है। एंड आपको इंडिविजुअल आपकी स्क्रीन्स दी गई हैं पीछे। JBL का साउंड सिस्टम आपको इस गाड़ी के अंदर मिलेगा। एंड भाई जो वुडन फिनिशिंग है ना वो वाकई में रियल, मतलब वुड वाली फील देगी। एयर वेंट्स आपको यहाँ पे ऊपर मिलेंगे, एंड यहाँ आपके लाइट्स के फीचर्स मिलेंगे आपको। आपका आर्मरेस्ट रहेगा जिसमें आपको कप होल्डर आप ओपन कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। 3 बंदे सेकंड रो की सीट पे इसमें आराम से बैठ सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं। LC में भी अगर 3 बंदे नहीं बैठता है सेकंड रो में तो भाई फिर किस गाड़ी में बैठेंगे। और बूट स्पेस की बात करो तो भाई इसके अंदर तो 2 बंदे आराम से सो के जा सकते हैं। एंड वही आपको फ्लेक्सीबल इसकी ये सीट दे रखी है, पीछे पार्शियल ट्रे फ्लेक्सीबल रहती है, ये आपका फीचर दे रखा है। एंड आपको इसमें
इलेक्ट्रिक टेलगेट मिलेगा, आप इसको पुश कीजिए ऑटोनॉमस है। हाँ, ये एक चीज़ इसमें डिफरेंस हो गया है एलसी में। पहले क्या होता था, नीचे वाला जो पार्ट होता था वो अलग खुलता था, ये वाला अलग खुलता था, अब ये भाई सेम हो गया है, मतलब सिंगल पीस हो गया। और पीछे से ना आपको ना इसकी मतलब स्ट्रेट ऐसे ऐसे सीधी सी दिखेगी जो थोड़ी सी होती, पर भाई गाड़ी की लुक ना ऑसम लग रही है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट एंड मतलब रॉक सॉलिड वाली फील आ रही है। ये भाई भी भाई क्रिएटर हैं, बहुत देर से भाई शूट कर रहे हैं, कभी कभी रुकना पड़ता है, लोग इधर से दाएं बाएं आते हैं। मैं बोला भाई तुम बोलते रहो, बोला यार इधर उधर से लोग आते हैं, मैं कोई बात नहीं, एडिटिंग वाला बंदा देख लेगा, आप अपना बोलते हो ना, आप अपना रिदम क्यों तोड़ते हो। तो वही है भाई, यहाँ तो आपको पब्लिक इतनी मिलेगी, देखो ना इधर मेला लगा होता है, फोन कहते थे ये मीडिया आवर्स चल रहे हैं, मीडिया का टाइम चल रहा है, कहीं से नहीं लग रहा मीडिया का। नॉर्मल पब्लिक जब आएगी, जब क्या हाल होगा भाई ये देख लो, जो नॉर्मल आवर्स हो जाएंगे उसमें क्या हाल होगा भाई साहब, पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी यहाँ पे। बाकी तो भाई ऑटो एक्सपो का ये मेन रीजन, आप आइए गाड़ी को देख के जाइए प्रॉपर, तो गाड़ी आपको बाद में ही देखने को मिलती है। एंड ये देख लो भाई, आधी कटी हुई है हाई क्रॉस भाई, ये पूरा ना काट के आपको दिखा रखी है कि ऐसे इंजन है, ये मोटर है, ये फ्लैट फ्लोर दिया हुआ है, वहाँ बैटरी है, ईवी सेल्फ चार्जिंग मोड। तो भाई ये हाई क्रॉस को दिखा रखा है, ये जो प्रोडक्शन मॉडल आएगा सेम ऐसा ही है, तो उसी हिसाब से तो भाई गाड़ी के अंदर काफ़ी स्पेस लग रहा है। हालांकि ये गाड़ी भाई फ्रंट व्हील ड्राइव रहेगी, रियर व्हील ड्राइव नहीं रहेगी, लेकिन ऐसे हाइब्रिड व्हीकल्स मोस्टली या तो फ्रंट व्हील ड्राइव होते हैं या ऑल व्हील ड्राइव होते हैं। लो भाई कटी हुई गाड़ी, वैसे कंपनीज ना मोस्टली दिखाती हैं अपने ऐसे ना, जो प्रोडक्शन व्हीकल आने वाला होता है या आने वाला है, वो अपनी गाड़ी की ना मजबूती दिखाने के लिए ना दिखाती हैं कंपनीज काफ़ी। के देखो उधर से कटी हुई थी, यहाँ से देखो ओके है, फिट एंड फाइन, कौन कह देगा सब कुछ हुआ है। और ये देखो भाई लेक्सस का कंसेप्ट मॉडल, कंसेप्ट कौन से ऐसे होने चाहिए भाई। एंड फ्रंट लुक देखो भाई, यहाँ से इसका एयर इनटेक है, मोस्ट प्रोबेबली ये इलेक्ट्रिक होगी भाई। साइड लुक आप देख लीजिए गाड़ी अंदर से कैसे, मतलब दो आगे और पीछे फ्रंट एंड रियर पैसेंजर्स एक ही बारी में इसके अंदर बैठेंगे। एंड ये देखो भाई ये सीधा ऊपर जाएगा, स्पोर्ट्स कार वाली पूरी फीलिंग। टायर्स भाई साहब 24 इंचज के अलॉय व्हील्स हैं इस गाड़ी के अंदर, और प्रॉपर विंग्स वाली फीलिंग है इसमें है। भाई गॉड वाह भाई वाह, बहुत ही ज़बरदस्त बढ़िया कंसेप्ट गाड़ी है, लेक्सस तो लेक्सस है भाई। एंड ये रहा भाई गाड़ी का रियर, भाई रियर से ये क्या बना रहे, चोंच सी निकली हुई दीजिए। गाड़ी का नाम है भाई कंसेप्ट मॉडल LF30, नाइस कार, गुड भाई। कितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ जाए लेकिन जो विंटेज गाड़ियाँ थी ना भाई उनका मुकाबला ही नहीं है। ये देखो भाई ये पुरानी फीएट, ये विलीज, इसका जीप का तो भाई मतलब आज भी इसकी फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है इस गाड़ी की। वर्ल्ड वॉर के दौरान भाई ये जीप ने बनाई थी उनकी आर्मी के लिए, यूएस आर्मी के लिए, उसके बाद तो भाई ये वर्ल्ड वाइड इतनी फेमस हुई। एंड वाह भाई वाह, ये देखो ये वाइट लेटर टायर, वाइट लेटर नहीं है भाई, पूरा वाइट वॉल टायर बोलते हैं इसको। ये देखो भाई BRP बिहार नंबर गाड़ी है ये, ये आगे हमारी फीएट, ये दिल्ली नंबर गाड़ी है। हाय 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 हाय, पीली सी गाड़ी कितनी सुंदर लग रही है। ये उस मूवी में टार्जन द वंडर कार में भी ये गाड़ी दिखती है कई बार मेरे को, ठीक है। एंड भाई यहाँ पे आपको मिलेगी BMW, ये होती थी मर्सिडीज, या तो ऐसे लाइट वाली या एक ऐसे लाइट वाली, इस मर्सिडीज का कोई मुकाबला नहीं। इसकी जो रोड प्रेजेंस और जो लुक है ना, ओए होए होए होए, मज़ेदार भाई साहब मज़ेदार। नंबर ही बढ़िया है 7786, छसी में बोलूँ 1786 होना चाहिए था वैसे इसका, है ना भाई। यहाँ पे भी आपको लेक्सस का प्रेजेंस है, वो कॉन्सेप्ट व्हीकल चल रहा था, फिर मेरे को विंटेज दिखी तो विंटेज तरफ चला गया। अभी आपने देखी थी टोयोटा की LC300 एंड अब देख लो भाई लेक्सस की 500D है। तो भाई बीच में लोग आते आते रहेंगे, आप ऐसे देख लो, अब देखो आराम से बोनट आपको सेम मिलेगा, लेकिन लेक्सस की थोड़ी सी ग्रिल थोड़ी बड़ी होती है ना भाई, तो सेम अपना लेक्सस की प्रोफाइल अलग दिखेगी। अलॉयज भी आपको इसमें 20 इंच नहीं, आपको 22 इंचज के इसके अंदर अलॉयज मिलेंगे। इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें, मोस्टली इनका बॉडी शेल जो है लगभग सेम रहता है, जो आउटलुक कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं लेक्सस में और टोयोटा में। इंटीरियर आपको ऑल एंड ऑल लगभग सेम ही मिलेगा अराउंड, कुछ खास चेंजेस नहीं है, सेम एज द टोयोटा। एंड भाई यहाँ पे आप देख लो डोर भी ऐसे रहेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा आपको फीलिंग वो वाली मिल रही थी ना वुडन वाली, यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक ग्लॉसी में थोड़ा सा रहेगा, लेदर्स में इंटीरियर में फ़र्क है। बाकी इसमें पूरे भाई भर के बैठे, इनके निकलने का इंतजार करूंगा तो गाड़ी आप देख ही नहीं पाओगे फटाफट में। अलॉयज का पैटर्न जो उसके अंदर था वो ज़्यादा सुंदर, बाकी आप बताना कमेंट बॉक्स में। ये 22 इंच ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं जैसे 20 इंच उसके अंदर थे वो। एंड अब आगे हम गाड़ी के रियर में, एंड रियर में भाई ये दोनों गाड़ियाँ 5 सीटर में ऑप्शन में है, सेम बूट स्पेस है, सेम सब कुछ है। एंड रियर आपको दिखाता हूँ इसका टेल गेट बंद करके, इलेक्ट्रिक टेल गेट तो भाई कॉमन है, थोड़ी देर में 20-22 लाख से ऊपर जो भी गाड़ी है सब इलेक्ट्रिक टेल गेट। अब इसमें भी सेम ऐसे कर दिया भाई, स्प्लिट टेल गेट अब नहीं है इसमें भी, इसमें भी आपको सिंगल
रियर जो है इसका थोड़ा सा वो लग रहा है एमपीवी टाइप का लग रहा है मेरे को, उसका थोड़ा सा ज्यादा बोल्ड एंड बल्की अच्छा लग रहा था। बेटा वाली LC 300 मुझे ज्यादा सुंदर लगी, LX वाली थोड़ी सी ज्यादा ही कॉस्मेटिक में होगी। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताना आपको लुक्स में कौन सी अच्छी लगी, LEXUS वाली या टोयोटा वाली। ये महंगी भी तो है उससे है?